हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, कल आप लोगों ने मेरी बात को समझा, आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम को समझा और आपने बोला सपोर्ट करेंगे। तो बस आप लोगों का साथ और भोले बाबा मैया रानी का साथ चाहिए, और कोई कुछ भी कहे। तो यहाँ पे भैंस के लिए चारा काट रहे हैं। हमारे यहाँ इसको कुटी बोलते हैं ना दीदी, कुटी बोलते हैं, घास काटना बोलते हैं, और न्यार है ये भैंसियों के लिए। मैं नहीं कर रही थी, दीदी और वो दीदी भाई साहब कर रहे थे, तो मैंने बोला लाओ थोड़ा सा मैं कर लूँ, ये लास्ट का ही रह गया था। तो दीदी कह रही थी अच्छा, मतलब करे कराए पे हम मेहनत करें, तुम सारा श्रेय ले लो। तो हम लोग ना हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पे आ गए, नहाना धोना हो गया है, बाल धो लिए, क्योंकि दिल्ली में मैंने मेहंदी लगाई थी, जल्दी जल्दी में मेहंदी ना अच्छे से धुली नहीं थी, तो बालों में ना इतनी खुजली हो गई थी, ऐसे लग रहे थे सर में कितने सारे जुएं भर गए हैं, क्योंकि वो अच्छे से हुई नहीं, तो जड़ में ना चिपक गई, तो बहुत खुजली हो रही थी। तो और ये शुक्रवार का ब्लॉग है, तो मैंने शुक्रवार को अपना सर धो लिया था अच्छे से, और ना तब जाके मुझे सुकून मिला, और ना सर एकदम से गीला गीला था, और मैंने ऑयल लगा लिया और अच्छे से बाल, अब मेरे ऐसे लग रहा है ठंडक ठंडक सी लग रही है। सारा काम वाम हो गया है, दीदी भी नहा ली है, हम सब लोग नहा धो के एकदम तैयार हो गए। मैं पहले नहा ली, दीदी बाद में नहाई थी, मतलब थोड़ी देर का आगे पीछे हो जाता, मोबाइल हिल रहा है तो बच्चे ले लेते हैं, अभी उनको शौक रहता है ना कि मैं मोबाइल पकड़ूँ। वैसे मैं यहाँ पे ट्राईपोड अपना लेके आई हूँ, अब मैं कोशिश करूँगी ट्राईपोड पे ही लगाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हिलते हैं। फिर आप लोग मुझ कमेंट करते हो कि आपका मोबाइल हिलता है ना, तो ऐसे लगता है हमारा सर घूम रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बस मैंने फटाफट से बालों को काढ़ा और जूड़ा बना लिया, और अभी आप लोगों को पता है मैं बालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बाल अभी बड़े करने हैं, और क्या कराना, मुझे एक बार कराना है। आप लोगों को पता है गांव में अंधेरे अंधेरे उठ जाते, अंधेरे से लग जाते सारे काम, मतलब 4 बजे से। ऐसा तो है नहीं घर का करना, झाड़ू पोछा, भैंस को गाय देना। तो नहाना धोना हो गया है, 11 बजने जा रहे, दीदी जा रही है मंदिर। मैं सोच रही हूँ मैं भी जाऊँ, बच्चे उधर खाना खाने में लगे हैं, हम लोग वापस आके खाएं। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है जब बताना। तैयार, कोई घर पे नहीं है, हम दीदी है, उधर बड़ी दीदी के घर पे भी कोई नहीं है। ये साड़ी आप लोगों को ध्यान होगी, देखो इस तरीके से। दीदी कितनी देर लगेगी वहाँ पे? तो चलूँ मैं, बिंदी नहीं मिली, लाइट चली गई है ना, तो बिंदी नहीं लग पाई। दीदी कर लो, दीदी पूजा कर लो फिर वहाँ जाएंगे। नहीं वहाँ कितनी देर लग जाएगी, मतलब चले दीदी पक्का पक्का? दीदी कलेक्टर, चलो तो सारा काम हो गया है, रसोई रसोई सारा इधर पूरे में देखो, झाड़ू पोछा सारा काम, दिया बाती हो गई, मैं पहले ना रही थी, मेरा हो गया है, और दीदी अब कर रही है। 11:30 ऐसे सारा काम हो जाता है। मंसू अब मेरी बिंदी दे दो, जल्दी खा लो, बिंदी दे दो, चलो मंसू को ही पता है, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे बैठ के अच्छे से होती है, पहले ये थोड़ा ऊंचा था अब नीचे आया। 10:30 बजे सारे काम हो जाते, भैंस को चारा देना, गोबर उठाना, कुट्टी करना, सानी करना, और बाहर सारे में घर भी अंदर से लेके बाहर तक, मतलब शहर में तो छोटा होता है, यहाँ पे तो कितना बड़ा। तो 4 बजे उठ जाते 4 बजे, और फिर खाटों पे लेटते, खाटों को समेटना, उन पे से बिस्तर उठाना, बहुत सुबह अंधेरे से लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए कपड़े धो के जब ही रख दिए थे, तो हम तीनों ही दीदियाँ, तीनों की दोनों ही दीदियाँ, तो अभी हाँ वहाँ पर तो थोड़ा मतलब छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं वहाँ लेट उठती थी, पर यहाँ पर मैं कोशिश करती लेट उठू, पर सब लोग काम में लग जाते, तो मैं भी उठ जाती हूँ, तीनों दीदियाँ लगी रहती, तो फिर मैं भी थोड़ा अपना कामों में लगी रहती हूँ। कपड़े धो दिए थे, पहले ही धो लिए थे, फिर मैंने बोला बालाल झाड़ दूँ, भाई साहब घर पे थे, तो इस वजह से मैंने बोला रुक जाती हूँ बाद में कपड़े डालूंगी, तो भाई साहब बाहर गए, तो मैं कपड़े डालने लगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बार बार उनके सामने नाचो, इधर से उधर हो, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे दीदी ने बोला तरबूज, दीदी के यहाँ पे आ गई हूँ। दीदी के यहाँ क्या, एक ही घर है, मतलब ऐसे नहीं दूर जाना होता है कि भैंसों के लिए अलग जाना होता है, नहीं हमारा बहुत बड़ा घर है, सब कुछ एक ही घर में है, ये सब एक ही घर है, मतलब बस कुछ भी ऐसे नहीं कि 2 कदम चलने, नहीं एक ही घर है। तो दीदी ने बोला, मैं छोटा वाला तरबूज काट रही थी, खरबूज, तो दीदी ने बोला नहीं बड़ा वाला काट लो, छोटा वाला मत काटो। तो मैं, दोनों भाई साहब आज घर पे थे, बड़े वाले भाई साहब बाहर लेटे हैं, मतलब बैठक में, हमारे यहाँ ना बड़े बहुत
बड़ा कमरा बनाते हैं, मतलब उसमें 10-12 खाट आ जाए, तो उसको बैठक बना रखा है, ये अंदर का है, बाहर भाई साहब लेटे हुए, मतलब शादी ब्याह कोई फंक्शन करो तो उसमें आसानी से हो जाए। और मेरा आपने दिल्ली में तो देखा कितना छोटा सा, यहाँ पे एक बैठक है ना उतने में तो मेरा पूरा घर है, छोट दीदी की भी इतनी बड़ी बैठक है और इन दीदी की भी इतनी बड़ी, मेरी भी है पर मेरी बनी नहीं है, तो इस वजह से आओ बैठो, लाइट तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ, ठंडा ठंडा तरबूज खा लो, और कैमरा काला इस तरफ से खड़े तो होके भाई कर रहे हो साहब ना तो खाना इसलिए। खा रहे हैं, भाई साहब को खाना दे दिया है। प्याज मुझे चावल फ्राई करने हैं, लाली हरी मिर्ची है, ए लाली हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची फ्रिज में, हरी मिर्ची है लिया, और चाकू कहाँ ला ले, मिल गया चाकू, और नींबू चावल रखे हैं वो वाले मुझे फ्राई करने हैं, बस अभी रुक जाओ। और यहाँ पे आ गए चावल फ्राई करने के लिए, बच गए थे तो हमने बोला चावल फ्राई कर लेते, दीदी से बातें करते जा रहे हैं। वहाँ पे चूल्हा इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि फिर जल्दबाजी होती, तो रसोई में नहीं रखा है, यहीं पे कर लिया, क्योंकि ना फिर मतलब वहाँ रखते हैं ना तो जल्दी से नहीं हो पाते, दीदी को बैठ के मतलब चूल्हे पे बनाती है ना तो उसकी आदत पड़ी हुई है, तो इस वजह से दीदी नीचे बैठ के बनाती, तो फिर मैंने बोला मैं अपने लिए क्या रखूँ, तो यहाँ पे सरसों के तेल में चावल फ्राई कर रहे हैं, और दीदी को सबको बहुत अच्छे लगे, बस ना मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि यहाँ पे सब लोग पिसी हुई मसाला खाते हैं ना, तो इस वजह से मिर्ची सब लोग बीन बीन के इधर से उधर कर रहे थे, पर अच्छा। और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स ला ली, आप लोग इंस्टाग्राम पे जल्दी से आ जाओ ना, प्रीति राघव 126 के नाम से है मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे, जल्दी से देखना। वैसे तो यहाँ पे भी शॉर्ट डाल देती हूँ पर सेम टू सेम शॉर्ट नहीं रखती, वहाँ अलग होती है शॉर्ट, यहाँ अलग होती है, तो ये देखिए मसाले दीदी से पूछ पूछ के डाल रही हूँ क्योंकि ना अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है, और थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा होता है तो अभी इतने का नहीं हम लोगों का वहाँ पे, आप लोग जानते, तो पूरे चावल नहीं थोड़े से ही चावल फ्राई किए हैं, दाल भी रखी है, और बहुत सारी बड़ी दीदी भी सब्जी बनाती है, दीदी भी तो बहुत सारी सब्जी हो जाती है ऐसे, और दोनों दीदियाँ सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। अभी वहाँ पे आप खाओ, गाँव में तो वैसे भी सारा मसाला हाथ से पिसा हुआ होता है, थोड़ा सा भी आलस नहीं होता गाँव में, तो शहर में तो सब कुछ ज़्यादा है तो मिक्सी से बस कर लो और छोंक दो हो जाता है ना। यहाँ चावल फ्राई हो गए, नीचे साफ़ कर दूँगी, यहाँ पे आ गए हम चूल्हे के पास, चूल्हा बाहर रखा है आंगन में, यहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं, और भैंस मतलब दूधिया वाले भैया दूध दे के चले गए हैं, भाई साहब सामने थोड़ा बहुत काम कर, छोटे मोटे काम भैया खुद कर लेते हैं, मतलब उनको जाना नहीं होता, आटा लेके आए, आटा पिसा के मतलब पिसना करा था उसको साफ़ करके। का खाना पीना हो गया, बच्चे उधर खेल रहे, ये इधर है, और दीदी ब्लाउज की फिटिंग करने में लग रही है। दीदी को रहता है कि एकदम से मत किया करो, मैं सरर पे और सही से साड़ी कर लूँ तब करा करो, तो देखो दीदी अपने ब्लाउज पे वो कर रही है, सारा मोटापा तो मैंने ही ले लिया, दीदी बेचारी मैं बोलती दीदी मुझसे थोड़ा सा मोटापा ले लो, मैं मोटी होती जा रही हूँ। ये किसने सिले, ये सही तो आ तो जाएंगे आपके, दीदी ने तो किसी से सिलवा, उन्हीं से आप उनको फिट करा लेते ना। अच्छा क्यों ऐसी साड़ी होगी साइनिंग में। तो दीदी सिलाई कर रही है, हम लोग फ्री हुए खाना ना खा के, कपड़े पड़े डाल के, भात पाइप वगैरह पड़ा, तो अभी ऐसा ही हो रहा है, आ रही मैं दीदी के पास जाके, आ रही दीदी क्या कर रही है, अभी भाई साहब वगैरह कोई भी नहीं है। कौए कौआ वो वंशी का बड़े बड़े ताऊ जी घर पे हैं। अच्छा घर पे हैं तो नहीं जा रही, बड़े भाई साहब घर पे, वंशी का ताऊ जी देख के आना, टीवी देखने हैं, वंशु देख के आना, ताऊ जी क्या टीवी देख रहे हैं घर पे हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, देख क्या बड़े ताऊ जी घर पे, बड़े पापा घर पे हैं, भाई साहब सो रहे थे पर मुंह पे गमछा डाले दिखाती, आप लोग ऐसे ही समझोगे नहीं, मैं आ जाती बेचारे भाई साहब का देश निकाला हो जाता है, हैं दीदी गला तो उनका, मतलब मैं होती हूँ ना तो ऐसे आते ऐसे कर करके, मतलब थोड़ा सा सही से मतलब घूंघट घूंघट सही कर लूँ, एकदम से नहीं होता, तो मुझे थोड़ा सा लगता है दीदी है ना, बार बार
एक बार में तो वैसे ही मुझे से मतलब मुझे भी आदत नहीं, भैया को भी आदत नहीं है, तो फिर दो बार करेंगे। मैं तो दो तीन बार करूँ गले में खराश हो जाए, आवाज़ ना निकले, तो भैया दो तीन बार करते। एक बार भी समझ जाओ। नहीं ध्यान नहीं, कल थोड़ा सा हुआ था, पर अब मैं ध्यान रखूँगी, एक बार भी समझ जाऊँ, दिक्कत ना हो। तो सभी लोग सो रहे हैं, दो बज गए होंगे दीदी, दो या दो, हाँ दो तो बज गए होंगे। और ये देखो जा रहे थे आप तो बाजार, हैं तो भैया लोग दोनों हैं, बाइक ले लो, जाना पड़ेगा। ये देखो इनके आराम है, घर पे आके भी आराम होंगे तो वो तो बस सारा कमरा साफ करा है, बस अब मुझे सेट करना है। चलो थोड़ी देर सो लूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। दो साल बाद, दो साल या तीन साल, चलो मैं सो लूँ थोड़ी सी। यहाँ पे दीदी बनाने जा रही है कड़ी, क्योंकि हमने जब मैं आई थी तो मैंने मक्खन निकाला था ना, तो बहुत सारा मठा रखा था, तो दीदी ने बोला कड़ी बना लेते हैं, और कड़ी गांव की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को भी कड़ी खा देसी खाना खाना है तो आप लोग भी आ जाओ। तेल गर्म हो गया है और दीदी ने मसाला खोल लिया। यहाँ पर भाई साहब टी वी देखने लगे हैं, ये हॉल मेरे सामने पर्स टंगा है, और यहाँ पर खाने पीने की तैयारी हो रही है। चावल बना लिए थे और ये शाम के खाने की, मतलब हो जल्दी होता है ना गांव में, तो यहाँ पे कड़ी, दीदी का बेसन कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था अभी देखना, तो हम लोग मजाक कर रहे थे, तो बोल रहे थे आप लोगों से पूछने के लिए ये पकौड़ी है कुछ और, देखो बेसन पतला हो गया ना, तो फिर हमने बोला ठीक है अभी देखना फूल जाए, तो दीदी बोल रही देखो पकौड़ी बन गई ना, मैंने हाँ पकौड़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बन गई हैं, तो ये हमारी पकौड़ी बन के हो गई जालीदार, मतलब टाइट नहीं थी, फेट लिया था, पर वो ये थोड़ा सा पतला हो गया, पकौड़ियाँ बन गई, बच्चों ने पकौड़ी खाई, और दीदी ने इसी कढ़ाई में ये देखिए अब पूरा नहीं डाला, नहीं तो गांव में तो 18 रुपए की आधा किलो आता है, यहाँ पे मैंने बोला दीदी पूरा डाल दो, तब भी थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है इसलिए, तो हमने बेसन घोल लिया मठे में, और दीदी ना जीरे और मेथी से तड़का देती है कढ़ी में, मैं जीरा नहीं डालती। मसाला पक गया है और अब इसमें डाल देंगे बेसन और मठा का घुला हुआ, और इसको पकने देंगे। कढ़ी जितनी देर पकती है उतनी ही स्वादिष्ट आती है, मसाला देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है, अब इसमें डालने के लिए तैयार, फिर धीमी धीमी आँच पर इसको पकने देंगे। ये देखो हमारा ये बन के हो गया है रेडी, अब इसको खोलने देते हैं, खोलेगी उसके बाद में ही इसमें पकौड़ी डालेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी बनी, तो बहुत टेस्टी थी, चावल नहीं बनाए क्योंकि दिन जब ही हमने चावल खाए, तो ये देखिए हमारी कड़ी बन के हो गई रेडी, और इसको रहने देते हैं, छत पे जाके बैठेंगे थोड़ी बहुत देर, क्योंकि ना अच्छा लगता है छत पे जाते हुए, मन खुश हो जाता है। बोल रही थी मुझे किसी ने ऐसे नहीं बोला कि मतलब दीदी को याद करते और दीदी को दिखाना, तो दीदी मैंने बोला दीदी आपको पढ़ के दिखाती हूँ, तो दीदी बोली नहीं तू झूठ बोल रही है, तो आप लोग आज ना दीदी के लिए सारे लोग कमेंट करना, दीदी बोल रही थी कोई भी याद नहीं करता, और दीदी को क्या पता कितने सारे लोग वो दीदी को याद करते हैं, जब बड़ी दीदी गई थी तो आपके लिए नाम पूछा था, अरे ये लाली की मम्मी नहीं है, और ये दीदी झूठी बोल रही थी, हाँ ये लाली की मम्मी नहीं है, इसको लाली लाली नहीं करते रहते थे हम, तो अब आप लोग कमेंट पे बताना, दीदी विश्वास नहीं कर रही थी, अब आप विश्वास दिलाना। तो बताना दीदी को ना, वो बना के भेजना, इमोजी बना के भेजना, दीदी पढ़ तो पाएंगी नहीं, मैं बोलूँगी तो दीदी को झूठ लगे ना, आप ना इमोजी हंसने वाली लगा देना, उससे वो दिखाऊंगी तब तो विश्वास करोगी ना। फिर अब फोटो भेजना, दीदी को विश्वास नहीं होता, बताओ हद है। देखो छत पे हमारा नीम, पापा के हाथ को है ना, ये पापा के हाथ का है, और शाम को ये देखो खेत, सभी लोग छत के पीछे भी छत, ये हमारी पूरी छत है, यहाँ से नहीं यहाँ से है ना दीदी, यहाँ से वो उधर का हटा के, मतलब वो चादर पड़ी है उधर का हटा के, वो लेके ये सारी बच्चे बैठे ये, और ये इधर, ये उधर का जीना और वो उधर का जीना। चलो दीदी चलो हम जा रहे हैं घूमने, छत पे से आके मैंने बोला ना, और ये ज़्यादा टाइम नहीं है, 6:30 बजे का, छोटे मोटे काम भाई साहब खुद कर लेते हैं यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा जो समर लगी थी ना उसमें से पाइप निकल रहा था, क्योंकि अभी अंदर पलस्तर हो गया, बाहर पलस्तर नहीं किया, तो भैया ने बोला लाओ मैं खुद ही कर लेता हूँ, सामान तो रखा ही था तो खुद से करने लगे, और देखिए बाहर का नज़ारा किस तरीके से हो रहा है, ये सारी भैंसें हमारी हैं, और सामने जो आप पोखर देखने की कह रहे हैं इसमें पार्क बनने जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।